अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और मैं हूं फरजंद अली। आज हम आप लोगों को अपनी वीडियो के अंदर बताएंगे कि किसी भी इंजन के टैपर्ट कैसे सेट किए जाते हैं, टैपर्ट क्लीनर्स क्यों रखी जाती है। जितना कंपनी टैपर्ट क्लीनर्स बताती है कि हमारे इस बनाए हुए इंजन की टैपर्ट क्लीनर्स आप लोग इतनी रखें, तो उस फिगर से हम लोग टैपर्ड क्लीनर्स काम क्यों नहीं रख सकते या उससे हम लोग ज़्यादा क्यों नहीं रख सकते। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम आप लोगों को ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में बताएंगे और इस काम को प्रैक्टिकली तौर पे करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में कहा कि टैपर्ड क्लीनर्स किस चीज़ को कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखें कि वॉल, स्टेम और रॉकर आर्म एडजस्टर, इन दोनों का जो दरमियानी फासला होता है, इसको हम लोग कहते हैं टैपर्ड क्लीनर्स। यहाँ पे ये वाला जब हम टैपर्ड एडजस्ट करते हैं तो इस क्लीयरेंस को सेट करते हैं, ये वाला गैप हम सेट करते हैं। तो इंजन बनाने वाली कंपनी हमेशा बताती है कि हमारे इस बनाए हुए इंजन की टैपर्ड क्लीयरेंस आप इतनी रखें। उसकी वजह क्या होती है कि हम उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता होता है कि यहाँ पर जब स्पार्क प्लग की मदद से इंजन के अंदर फ्यूल को जलाया जाता है, पेट्रोल को जलाया जाता है, तो फ्यूल और पेट्रोल के जलने से यहाँ पर 500 से 800 डिग्री टेम्परेचर पैदा होता है। ये इनटेक वाल है, ये एग्जॉस्ट वाल है, तो ये दोनों वॉल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़्यादा में होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पैदा हो रहा होता है। तो वॉल्स बेसिकली जो मटेरियल होता है इसका, ये क्रोमियम अलॉय स्टील के बने होते हैं, तो धात कोई भी हो, तमाम धातें गर्म होकर फैलती हैं, लेकिन क्रोमियम अलॉय स्टील एक ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा कम गर्म होकर फैलता है, लेकिन फिर भी ये गर्म होकर फैलता है। तो लिहाजा इसलिए कंपनी रिकमेंड करती है, तो जहाँ पर जब यह टेम्परेचर पैदा होगा तो टेम्परेचर पैदा होने से ये वॉल्स गर्म होकर फैलेंगे। अगर हम लोग इस रॉकर आर्म और एडजस्टर वॉल स्टेम के दरमियान, दोनों के दरमियान गैप नहीं रखेंगे, तो जब ये वॉल्स गर्म होकर फैलेंगे, ये रॉकर पहले से ही अगर वॉल स्टेम के साथ अटैच कर दिया जाए, तो वॉल जब गर्म होकर फैलेगा, इसको फैलने के लिए जब ऊपर जगह नहीं मिलेगी तो फिर ये वॉल फैल कर ये नीचे की तरफ आएगा। जब नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर वॉल सीट को छोड़ देगा, ये वॉल सीट से हट जाएगा, जिससे हमारे इंजन की कंप्रेशन भी लीक होगी और पावर के दौरान बनने वाली गैसेज वो भी लीक होंगी, जिससे हमारी इंजन की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। लिहाजा कंपनी की बताई हुई फिगर के मुताबिक हमको टैपर्ड क्लीनर्स एडजस्ट करनी चाहिए। कंपनी को हम लोग इसलिए फॉलो करते हैं कि कंपनी को पता होता है कि उनके बनाए हुए इंजन के अंदर वॉल्स कितने गर्म होकर फैल सकते हैं, ये मटेरियल क्या है और इनके अंदर पैदाशुदा टेम्परेचर कितना है। तो लिहाजा कंपनी इसके ऊपर रिसर्च करके बताती है कि हमारे इस बनाए हुए इंजन की, फ़र्ज़ करें टैपर्ड क्लीनर्स आप 0.05 mm रखें, अगर आप 0.05 mm से कम रखते हैं तो फिर क्या होगा, अगर हम 0.05 mm से 8 कर देते हैं तो फिर क्या होगा। तो टैपर क्लीनर्स अगर हम लोग कम रखेंगे तो होगा ये कि कंपनी को पता है कि ये वाला वॉल, इसका मटेरियल गर्म होकर ज़्यादा से ज़्यादा 0.05 mm तक फैल सकता है। अगर ये 0.05 mm तक फैल सकता है तो फिर अगर हम इसको 0.03 mm कर देंगे तो फिर 0.02 mm वॉल जो मज़ीद फैलेगा वो ऊपर की तरफ फैलने की बजाय, क्योंकि ऊपर गुंजाइश नहीं होगी, स्टेम पहले से ही वॉल स्टेम के साथ पहले से ही रॉकर अटैच हो चुका होगा, तो लिहाजा वॉल बजाय गर्म होकर ऊपर जाने के उसके पास गुंजाइश नहीं होगी, तो वो नीचे की तरफ फैलेगा। जब नीचे की तरफ फैलेगा, यहाँ से हमारी कंप्रेशन अगर हो रही है तो कंप्रेशन लीक होगी, अगर इनटेक वॉल है तो इनटेक के दौरान हमारी कंप्रेशन लीक हो जाएगी, और एग्जास्ट है तो एग्जास्ट के दौरान भी, सॉरी यार, लिहाजा अगर हम कंपनी की बताई फिगर से 0.03 mm कर देते हैं तो फिर भी वॉल अपनी सीट छोड़ सकता है। तो लिहाजा हम यहाँ कह सकते हैं कि हमें अपनी मर्ज़ी से टैपर्ड क्लीनर्स काम नहीं रखनी चाहिए। अगर हम लोग टैपर्ड क्लीनर्स ज़्यादा रख देते हैं, हम 0.05 mm की जगह 0.08 mm कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, तो टैपर्ड हैं वो आवाज़ करेंगे, शोर पैदा करेंगे। जब टैपर्ड शोर पैदा करेंगे तो वो नॉकिंग या आवाज़ जो है वो बुरी लगेगी, तो इसलिए टैपर्ड क्लीनर्स एक तो ज़्यादा रखने की वजह आवाज़ होती है, टैपर्ड ज़्यादा आवाज़ करते हैं। दूसरी वजह यह होती है, टेक्निकली इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये होता है, केम शार्ट रॉकर को जब दबाएगी तो वो लेट वाल को दबाएगा, लिहाजा वॉल लेट खुलेगा। टैपर्ड क्लीनर्स अगर आप लोग ज़्यादा रखते हैं तो वॉल लेट खुलेगा और जल्द बंद हो जाएगा, यानी वॉल के खुला रहने का जो दौरानिया है, जो वॉल के खुला रहने का दौरानिया है वो कम हो जाएगा। अगर वो वॉल इनटेक का है तो इनटेक का अमल मुतासर होगा, पूरी तरह फ्यूल अंदर दाखिल नहीं होगा। अगर आप लोगों ने एग्जॉस्ट वॉल की टैपर्ड क्लीनर ज़्यादा रखी है तो फिर देर से खुलेगा और जल्दी बंद हो जाएगा, जिस वजह से हमारी इंजन की जो एग्जॉस्ट है वो पूरी तरह से खारिज नहीं हो सकेगी, गैसें पूरी तरह से खारिज नहीं हो सकेंगी, तो इससे इंजन अपनी परफॉर्मेंस पूरी
पैदा नहीं कर सकता। दोस्तों इसलिए टैपर्ड क्लीयरेंस जब भी आप एडजस्ट करें हमेशा कंपनी की तसरीहात के मुताबिक, जितना कंपनी रिकमेंड करती है कि हमारे इस बनाए हुए इंजन की टैपर्ड क्लीयरेंस आप उतनी रखें, आप उसके ऊपर अपनी मर्जी मुसलत कभी ना करें, ना उससे आप लोग टैपर्ड क्लीयरेंस को कम रखें बताई फिगर से और ना ही आप उससे ज़्यादा रखें। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस वीडियो को हमने प्रैक्टिकली तौर पे भी टैपर्ड एडजस्टमेंट की वीडियो बनाई है, तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करें और हमारे प्रैक्टिकल को देखें कि टैपर्ड एडजस्ट करने का तरीका क्या होता है।